FYGC यानी कि 11th ऑफ महाराष्ट्र बोर्ड फर्स्ट लेसन आई होप कि आपको वीके का पूरा क्लियर हो गया द सेकंड लेसन इज व्हाट द मीनिंग कांसेप्ट एंड रूल्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम ठीक है बिफोर गोइंग ऑन द बोर्ड थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं बेसिक कांसेप्ट दिमाग में ले लेते हैं क्या है एक्सेल देखो पुराने जमाने में जब भी अकाउंट्स रिकॉर्ड होते थे तो हम लोग क्या करते थे इतना पैसा आया इतना पैसा गया जो बचा वो मेरा प्रॉफिट वेरी गुड अगर लॉस है यानी क्या है मेरा खर्चा ज्यादा और इनकम कम आप देखोगे कि रास्ते के किनारे भाजी वाले फ्रूट वाले दूध वाले चाय वाले ये सब लोग हैं क्या वो लोग एक सिस्टमैटिक साइंटिफिक कंप्लीट तरह का बुक कीपिंग रखते होंगे ना छोटी सी डायरी होती है उनके जेब में उसी में लोग लिखते हैं इतना पैसा आया इतना पैसा गया राइट बट दैट मेथड इज नॉट प्रॉपर इज नॉट साइंटिफिक क्यों पैसा आया तो मेरे कस्टमर से कितना आया वो भी मैंने प्लस कर दिया मेरे रिश्तेदारों से कितना आया वो भी मैंने प्लस कर दिया मुझे गिफ्ट कितना मिला वो भी मैंने प्लस कर दिया गया तो बिजनेस का खर्चा कितना वो मैंने माइनस कर दिया बराबर है बेटे को बेटी को भाई को बहन को दोस्त को पैसा दिया वो भी रिकॉर्ड कर दिया बीवी के लिए मंगलसूत्र लेकर आया बंगड़ी लेकर आया वो भी मैंने उसी में से माइनस कर दिया अब बिजनेस मेरा है बीवी मेरी है लेकिन बीवी बिजनेस की है क्या नहीं है ना दैट मीन्स आई हैव टू बी सेपरेट अलग होना जरूरी है राइट तो जो पहले होती थी जो पहले से कस्टम आई दैट इज योर सिंगल एंट्री सिस्टम ओके तो इंडियन सिस्टम अपनी जो है वो अलग है इसको हम लोग बोलते हैं देसी नामों या काशु नामों अभी आज भी इंडिया में अपने जो छोटे मोटे ट्रेडर्स है वो करते हैं अभी नवरात्रि चल रही नवरात्रि के बाद कौन सा त्यौहार आएगा दिवाली वेरी गुड दिवाली में अगर आप देखोगे तो लोग रेड कलर की बुक उसमें रिकॉर्डिंग पूजा करेंगे और गुजराती लोग मारवाड़ी लोग यूपी बिहार एंड पंजाब टू सम एक्सटेंट मध्य प्रदेश उधर के लोग दिवाली टू दिवाली नया साल मानते हैं राइट तो उसको चोपड़ा पूजन बोलते हैं क्योंकि अकाउंट्स की बुक हम लाएंगे देवी लक्ष्मी की पूजा करेंगे अमावस की रात और अगले दिन से उसी में हम लोग आने वाले साल का रिकॉर्ड करेंगे और अमावस को गए हुए साल का बंद कर देंगे यानी लॉजिक तो यही है कि इन्होंने भी पूरे बिजनेस को एक एक साल में डिवाइड कर दिया महाराष्ट्रियंस मेजोरिटी ऐसे है छोटे मोटे ट्रेडर्स जो गुड़ी पड़वा टू गुड़ी पड़वा फॉलो करते लेकिन अगर आप छोटा मोटा बिजनेस नहीं कर रहे हो एंड इफ यू आर रनिंग अ कंपनी तो क्या ये सिंगल एंट्री सिस्टम आपका देसी सिस्टम काम आएगा क्योंकि अमेरिका वालों को पता चलना चाहिए ना कि हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं लंदन वालों को पता चलना चाहिए कि हम क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं दैट मीन्स देयर शुड बी सम स्टैंडर्ड विच इज फॉलोड वर्ल्ड वाइड तो वर्ल्ड वाइड जो आई वो अभी जो हम लोग यूज कर रहे हैं वो है अपनी डबल एंट्री सिस्टम ओके उनका अपना देसी नाम है वो अंग्रेजी में पहले सिंगल एंट्री सिस्टम था बट अभी जो फॉलो हो रहा है दैट इज योर डबल एंट्री सिस्टम ठीक है डबल एंट्री सिस्टम अब डबल एंट्री सिस्टम डबल यानी क्या दो बराबर ध्यान दो कि तुम लोग मेरे पास अगर ट्यूशन आ रहे हो अगर आ रहे हो तो राइट आना तो आ जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है मोस्ट वेलकम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में शुरू कर देंगे अब तो राइट तो तुम लोग मुझे क्या दोगे फीस ऑब्वियसली अब तुम लोग का खर्चा वो मेरा इनकम एक्चुअली हुआ क्या है पैसा सिर्फ तुम लोग के पास से मेरे पास गया है लेकिन हम लोग ने उसको दोनों तरफ से सोचा एक का खर्चा वो दूसरे का इनकम चलो ये पेन मैं तुम लोग को दे रहा हूं लो अरे पकड़ो मोबाइल से बाहर निकल के नहीं ना बट समझो दिया तो मैंने पेन दिया या तुम लोगों ने पेन लिया या दोनों वेरी गुड दोनों ट्रांजेक्शन एक ही है पेन सिर्फ फिजिकली स्पीकिंग साइंस क्या बोला द पेन हैव मूव फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर लेकिन अकाउंट्स क्या बोलता है मिस्टर ए इज द रिसीवर एंड मिस्टर बी इज द गिवर तो हर ट्रांजेक्शन के दो इफेक्ट है राइट यही पेन अगर मैं यहां पे अगर दो सो रहा चल तू आ जा वो आएगा जाएगा क्या नहीं चीजें हैं चीजें या तो बिजनेस में लानी पड़ेगी या तो बिजनेस से ले जानी पड़ेगी राइट तो अलग अलग कंसेप्ट है लेकिन छोटी सी बात यही है कि एक ट्रांजेक्शन के दोनों इफेक्ट आपने दोनों साइड देखे एक सिक्के के दो पहलू जानना लेकिन हमेशा जो लोगों को दिखता है वो सफेद ही होता है लेकिन एक्चुअली पीछे से तो ये सोचने वाली बात है जिंदगी का अकाउंट भी हमें सोचना है राइट तो दिस सिस्टम रिकॉर्ड्स टू इफेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन
अब आप लोग को हैंडराइटिंग समझने में पहले पहले प्रॉब्लम होगी, बट धीरे धीरे आदत हो जाएगी, डोंट वरी। आई रिपीट, दिस सिस्टम रिकॉर्ड्स टू इफेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन। द फर्स्ट इफेक्ट इज डेबिट एंड द सेकेंड इफेक्ट इज क्रेडिट। ठीक है, अब ये क्या है इन डिटेल हम लोग सीखेंगे, डोंट वरी। इट्स अ साइंटिफिक सिस्टम, क्योंकि आप दोनों तरफ से सोच रहे हो कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, बराबर है। इट इज अ कंप्लीट सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि आप दोनों तरफ से सोच रहे हो, यानी कि मेरा इनकम हो तुम लोग का खर्चा, ये भी सोचा ना, राइट। व्हेन द अकाउंटिंग इज डन इन अ सिस्टमैटिक वे, राइट, कुछ प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हो, कुछ रूल्स फॉलो कर रहे हो, कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट फॉलो कर रहे हो, उसके बाहर यू कैन नॉट गो, राइट। सो इट इज अ सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन ऑफ योर अकाउंटिंग डेटा। Then it helps. Why? See, I am having profit. मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, year 1 my profit is 5000, year 2 my profit is 10000, year 3 my profit is 15000. तो आज चौथे साल में मेरा प्रॉफिट कितना होगा? सर नहीं पता चला। ठीक है, पहला साल मेरा प्रॉफिट 5000, दूसरा साल प्रॉफिट 10000, तीसरा साल प्रॉफिट 15000, तो चौथे साल में प्रॉफिट कितना होगा? वेरी गुड, 20,000। क्या क्या 5,000 का सर प्रॉफिट 5,000 से बढ़ रहा है, वेरी गुड। तो 10 साल बाद मेरा स्टेटस क्या होगा, ये मैं अंदाजा लगा पाऊंगा? ऑब्वियसली यस, बराबर। मैं कहां रुकता हूं, कितना प्रॉफिट मेरा होना चाहिए, 10 साल बाद मेरी कंपनी कहां तक होगी, ये मैं जान पाऊंगा। अकॉर्डिंगली आई कैन टेक सम डिसीजंस एट प्रेजेंट, हाउ टू मैनेज माई बिजनेस, आई कैन कंट्रोल माई एक्सपेंसेस, राइट। तो ये सारी चीजें आप लोग को वापस दी हुई टेक्स्ट बुक में, इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, एडवांटेजेस, फीचर्स, ये वो सब चीजें मैंने एक साथ उसको मर्ज कर दिया है, तो आप लोग टेक्स्ट बुक से पढ़ना इजीली समझ में आ जाएगा, एंड नॉट वरी। यप, सो टू टेक डिसीजन ऑफ द बिजनेस, देन टू फोरकास्ट फ्यूचर, यानी कि आगे की जानकारी पाने के लिए, एंड टू मैनेज बिजनेस। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, देखो तुम लोग और मैं, ठीक है, तुम लोग ने जो भी एक्स वाई जेड कॉलेज में एडमिशन दिया लिया, तुम लोगों ने क्या बोला, अरे यार मेरे को वो कॉलेज में एडमिशन मिल गया, उन लोगों ने मुझे एडमिशन दिया, ये कॉलेज ने एडमिशन दिया, वो कॉलेज ने एडमिशन दिया, यार कोलगेट अच्छा है, या फिर पतंजलि अच्छा है, या फिर सो एंड सो बैंक अच्छा है, महिंद्रा कोटक बैंक अच्छा है, मैं एडवर्टाइज नहीं कर रहा, मुझे एक रुपया नहीं मिला कोटक की तरफ से, जस्ट एन एग्जाम्पल हमें समझने के लिए, राइट। अब अच्छा बुरा कोई चीज होता है या इंसान होता है? लेन देन कौन करता है? इंसान। बट स्टिल आप लोगों ने, देखो मैंने आप लोगों को पेन दिया तो आप लोगों ने लिया, मैंने दिया, यू आर द रिसीवर, आई एम द गिवर। सिमिलरली एडमिशन दिया तो यू आर द रिसीवर, कॉलेज इज द गिवर। बट क्या कॉलेज की बिल्डिंग को हाथ आया थे एडमिशन? नहीं, एडमिशन दिया किसने आपको? कॉलेज में काम करने वाले स्टाफ ने। और यार कोटक बैंक अच्छा है, तो कोटक बैंक अच्छा होने के लिए क्या बैंक एक्चुअली अच्छा है, क्या अंदर का स्टाफ अच्छा है? अंदर का स्टाफ अच्छा, लेकिन हम लोग ने अच्छी बुरी इक्वालिटी किसको दी? उनको, राइट। तो पहला अकाउंट जो हमें डील करना है, दैट इज पर्सनल अकाउंट, जहां आप इंडिविजुअल के, इट रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल, ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट एक्सेट्रा, मंदिर, मस्जिद, चर्च की ट्रस्ट, गुरुद्वारा वगैरह, नॉन एवरीथिंग। तो इंसान को या तो चीजें मिलती है या तो चीजें देते, राइट। तो मैंने पहले भी कहा कि हर ट्रांजेक्शन के कितने इफेक्ट है, दो। द फर्स्ट इफेक्ट इज नोन एज डेबिट and the second is known as credit, right? So debit the receiver and credit the giver. Itna clear? Yes. Ab ye pen agar main fenku, aa ja, apne aap aayega kya wo? Nahi aayega. Cheez hai na? Sir, cheez hai. Kya aap bhi pagal ki tarah badbada rahe ho? Main pagal nahi hua, but example de raha hu thoda sa, right? Ab cheez hai. Kya cheez hai? Khud aayegi. Chhu sakte hai? Yes. Dekh sakte hai? Yes. बट वो खुद आ सकती नहीं है, खुद जा सकती नहीं है, या तो उनको बिजनेस में लाना पड़ेगा या तो बिजनेस से लेके जाना पड़ेगा, राइट। अब बारिश आ रही है तो थोड़ा सा आप लोग को डिस्टर्बेंसेस होगा, काइंडली जैसे मैं खिड़की बंद करने का चला जाऊंगा तो मोबाइल अपना गिर जाएगा, दो मिनट के लिए आएगा, ओके। तो चीजें या तो बिजनेस से आती है या तो बिजनेस से जाती है, और जिसको आप छू सकते हो, देख सकते हो, वो रियल है, तो वो ही जाता रियल। और रियल अकाउंट क्या होता है? रिलेट्स टू थिंग्स, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। एंड नाउ तुम लोग का खर्चा वो मेरा इनकम, तुम्हारी फ्री लगा ना अभी, ऐसा आपको मैं ऐसा नहीं,
तुम लोग का खर्चा वो मेरा इनकम वेल तो इट रिलेट्स टू इनकम एंड एक्सपेंसेस तो डेबिट ऑन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस क्रेडिट ऑन इनकम एंड और एक छोटा सा चाबी याद रखना है कि अगर असेट है तो उसको आप करोगे डेबिट और अगर लायबिलिटी है तो उसको आप करोगे क्रेडिट अब असेट और लायबिलिटी क्या है सर मुझे नहीं पता पहला रूल देखो पहले टॉपिक के तीनों रूल एकदम परफेक्टली कर दो हो जाए ये वीडियो दो से तीन बार देख लेना ताकि आगे का वीडियो आप लोग को अच्छे से समझ में आए यस चलो ठीक है।